फरीदाबाद के नीलम फ्लाईओवर के नीचे आग लगने के बाद हड़कंप मच गया था कल, और उसी जगह हम पहुंचे हैं। किस तरीके के हालात आपको दिखा देते हैं कि कितनी भयानक जो ये आग थी। नगर निगम के आला अधिकारी यहां पे पहुंचे हैं सर्वे करने के लिए, और काफ़ी भयंकर जो है ये आग बताई जा रही थी। और इसी के चलते जितना खतरनाक जो ये सामने दृश्य आप देख पा रहे हैं, 3 पिलर इसके डैमेज हो चुके हैं, और इसी के बाद से नीलम पुल की आवाजाही जो है पूरे तरीके से बंद कर दी है। किसी को भी पुल के ऊपर ना जाने दिया जा रहा, ना ही आने दिया जा रहा है। इसी आग अग्निकांड के अंदर देखिए 2-3 गाड़ियां जो है वो जलकर भी स्वाह हो गई थी कल, लेकिन इसके बावजूद ये 3 पिलर जो है वो पूरे तरीके से डैमेज हो गए, जिसके बाद नगर निगम के आला अधिकारी खुद एक्शन साहब मौके पर हैं, और SD और JEE तमाम वो आला अधिकारी यहाँ पे मौके पर आए हैं, और पूरी सर्वे किया जा रहा है कि अब इसको किस तरीके से रिपेयर किया जाएगा या फिर इन तीनों पिलरों को तोड़ करके दोबारा से बदला जाएगा। तब तक के लिए नीलम पुल की आवाजाही बंद कर दी है, लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एक्शन साहब आप यहाँ पे आए हो, क्या कुछ कार्रवाई चल रही है अभी? इसका मौका मुआयना किया जा रहा है, PWD के एक्सपर्ट्स को बुलाया है, उनके साथ मौका देखा है, हमारे डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारियों ने भी यह मौका देखा है। इसके अभी देखने के बाद आगे कमिश्नर के पास जा रहे हैं, वहाँ पे सबका डिसाइड करेंगे कौन सी एजेंसी को यहाँ बुलाकर इसको टेस्ट कराना है, कौन सी एजेंसी से इम्प्लीमेंट कराएंगे। अभी हालात आपने देखा तो क्या ये खतरनाक है, कभी भी गिर सकते हैं? नहीं, अभी ऐसी कोई हालात नहीं है कि गिरने की कोई नहीं है, पर ट्रैफिक अभी बंद रहेगा, उससे पहले असेसमेंट की जाएगी ताकि ट्रैफिक को खोला जा सके। तो कितने दिन तक ट्रैफिक बंद रहेगा अगर अनुमान लगाया जाए तो? नहीं, ये कहना भी मुश्किल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि एक्सपर्ट अभी इसको अंदर से जांचेंगे, क्योंकि एक ये मुख्य मार्ग है कहीं ना कहीं फरीदाबाद और NIT को जोड़ता है। इसके चलते काफ़ी BK की बात करी जाए या फिर नीलम की उसके बाटा की बात करी जाए, सब जगह जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। हाँ, सारे शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो इसीलिए हम इसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की और चालू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या उम्मीद करें फरीदाबाद वासी, कब तक ये रिपेयर हो जाएगा और कब तक लोग चालू? महीने में उम्मीद करें कि ये चालू हो जाएगा कंप्लीट, महीने तक। तो कहीं ना कहीं ये एक्शन साहब हैं नगर निगम की तरफ से आए हैं, और इन्होंने बताया कि ये पुल हालांकि अभी इतनी खतरनाक स्थिति नहीं हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं सावधानी के तौर पर, एहतियातन के तौर पर आप देख सकते हैं पुल को जो है वो नीलम पुल को पूरे तरीके से आवागमन इसका बंद कर दिया गया। PWD के एक्सपर्ट जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और कुछ स्थानीय लोग और हमारे साथ, हम उनसे जान लेते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ उन्होंने देखा था। क्या नाम भी आपका? कल यहीं रहते हो क्या? कमल नाम है मेरा। कमल, क्या हुआ था कल? कल यहाँ शाम के टाइम एकदम धुएं निकल रहे थे, जब मैं एकदम आया इधर देखा तो यहाँ कबाड़े में आग लगी हुई थी। उसके बाद फिर मौके पे फायर ब्रिगेड आई, यहाँ कार्रवाई करी उन्होंने। कितनी, क्या कुछ इसमें जलकर सो गए? किस चीज़ का गोदाम था ये? क्या था? कबाड़े का गोदाम था यहाँ। अच्छा, प्लास्टिक थे, हेलमेट थे, पेंट वेंट के डब्बे थे। पेंट के डिब्बे पे थे, इन्हीं की वजह से आग लग गई इसमें। अच्छा। इसीलिए आग बुझाई नहीं गई ज्यादा। हाँ जी, काफी तो नहीं, नुकसान कुछ नहीं। गाय जली, एक गाय भैंस जल गई है, जानवर वगैरह जल गए, ऊपर कबूतर वगैरह रहते थे वो भी जल गए। एकदम लगी थी? हाँ जी, एकदम। कहीं ना कहीं काफ़ी दर्दनाक जो है वो हादसा बता रहा था। तस्वीरें आप देख सकते हैं साहब, चलिए हम आपको अंदर की और तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। अभी भी जो है आग जो दहक रही है, देखिए नीचे भी यहाँ पे इतना तगड़ा जो है वो ये ज़मीन धस गई इसकी, क्योंकि आग की लपटें इतनी खतरनाक थी, क्योंकि पेंट इसके अंदर था, पेंट के बाद अंदर से ही जो है वो प्लास्टिक कबाड़े का गोदाम था, जिसके अंदर बता रहे हैं कि एक कुछ गाय और कुछ भैंस जो है वो झुलस गई थी। ये देखिए पुल के हालात आप देख सकते हैं, पूरा पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो चुका है, और एहतियातन के तौर पर पुलिस ने पुल को बंद कर दिया, बैरिकेडिंग कर दी है। आग इतनी खतरनाक थी कि ये देखिए अभी दहक रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अंगारे हैं वो दहक रहे हैं पूरे तरीके से, आग अभी काबू नहीं हो पाई है। इसमें 3 से 4 गाड़ियां जो हैं वो जलकर स्वाह हो चुके हैं, और गाय और कुछ कबूतर जो बता रहे हैं वो भी जो है वो इसके अंदर इसकी आग की लपेट में आ गए, और जिसके बाद वो भी इस अग्निकांड में, अग्निकुंड में जो है वो कहीं ना कहीं स्वाह हो गए। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात यहाँ पे हैं, साफ आपको दिखाई दे रहा है कि कितना बड़ा ये हादसा जो है वो कल था। और गनीमत ये रही कि क्योंकि कल तक जो है वो इस पुल की आवाजाही पूरे तरीके से चालू थी, यदि कुछ समय और ये आग रहती तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा विकराल हादसा इस फरीदाबाद के अंदर हो सकता था।
फिलहाल जो है वो नगर निगम के आला अधिकारी और पुलिस की टीमें यहाँ पे मौके पर पहुंची हैं और पूरे तरीके से मुआवना किया जा रहा है कि किस तरीके के हालात जो है वो यहाँ पे हैं, किस तरीके के इस पुल के अंदर जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है, इसके बाद इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया। हालांकि नगर निगम के जो एक्शन साहब थे उन्होंने साफ तौर से कहा कि लगभग एक महीने का समय जरूर लग जाएगा इस पुल को रिपेयर करने में और तब तक के लिए नीलम पुल की जो फिलहाल अभी एहतियातन के तौर पर बंदी रहेगा, जिसके चलते लोगों को खासी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी।